हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ोनपे एप्लीकेशन में कैसे हम इसमें साइन अप करें और कैसे रजिस्ट्रेशन कर इसमें हम बैंक को अपने कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें इस एप्लीकेशन से हम डेली का जो है 20,000 रुपये आप जो सेंड कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं। तो हमारा देखिए, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, हम इसे ओपन करते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर नो जो लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। तो इस रजिस्टर नो पर क्लिक करने के बाद हमें देखिए फिर ये अलाउ का ऑप्शन आया, ये अलाउ के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ करने के बाद जो है रजिस्टर हमारा जो हो गया है। अब देखिए, ये एप्लीकेशन खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो है मोबाइल नंबर जो हमारा बैंक में रजिस्टर है वो नंबर हमें यहाँ पर जो है टाइप करना है। फिर उसके नीचे हमें मतलब जो है फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, और फिर उसके बाद जो हमें जो है 4 डिजिट का पासवर्ड हमें डालना है, जो मतलब हमें साइन इन करने के टाइम में मांगेगा। तो ये हमारे देखिए नंबर हमने डाल दिया। नंबर डालने के बाद देखिए, हमारा जो है ऑटोमेटिक ये OTP मतलब जो है डायरेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद जो हमें और OTP हमारा देखिए आ गया, वो हमारा OTP जो है ऑटोमेटिक हमारा ले लिया। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो 4 डिजिट का जो आप जो नंबर डालेंगे, ये 4 डिजिट का नंबर आप वैसा डालेंगे जो आपको मतलब एकदम आसान हो, जो आप कभी भूले नहीं। ये डालने के बाद जो है फिर आप जो है रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें, यहाँ पर जो आपको सिलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक कर यहाँ पर आपको डन कर देना है। अगर आपको इंग्लिश हिंदी जो भी है लैंग्वेज रखना है, उसके बाद आप यहाँ डन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐड ए बैंक जो ऊपर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना जो है बैंक यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड बैंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी बैंक रहेगा, यहाँ पर सारा आपको डिटेल्स आपको दिखेगा। उस नंबर से आपका जो जो बैंक कनेक्ट है उसको आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो सिम इसमें लगा हुआ है वो सिम को आप जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास देखिए, ये जो बैंक की तरफ से जो हमारा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस बैंक में, उसमें हमारा जो है मैसेज ये जाएगा जो ये वेरीफाई कर रहा है कि ये जो है सिम में मतलब जो है ये बैंक कनेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, हमारा जो है स्टेट बैंक इसमें कनेक्ट है। ये हमारा देखिए ये खुल गया। अब हमें जो है सेट UPI पिन जो नीचे लिखा हुआ, इस पर हमें क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर जो है देख रहे हैं, डेबिट कार्ड जो है ATM कार्ड होता है, उसका हमें लास्ट का जो है 6 डिजिट यहाँ पर इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद जो है फिर यहाँ पर आपको डेट रहता है जो एक्सपायरी डेट, वो हमें डालना है। उसके बाद जो है हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो है बैंक की तरफ से OTP आ गया है। OTP यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये फिल हो गया। अब हमें नीचे में क्या करना है, 6 नंबर हमको डालना है, 6 डिजिट। जो ये नंबर हमें उस टाइम ज़रूरत पड़ेगा जब हमें किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, या हम जो है मोबाइल रिचार्ज करते हैं, या DTH रिचार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको उस टाइम जो मतलब इसका जो है ज़रूरत पड़ेगा। तो आप वैसा नंबर डालें जो आसान हो आपको, मतलब जो है ज़्यादा आपको उसमें दिक्कत ना आए बाद में, ये ना कि आपको भूल जाएँ उसको। तो इसलिए आप वो नंबर आप यहाँ पर जो है टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद जो है फिर नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सही का जो ऑप्शन दिया हुआ, आप उस पर जो है क्लिक कर लेंगे। हम नंबर हम टाइप कर लेते हैं। आपको जो है दोबारा इसका टाइप करने के लिए आएगा, आप जो है दोबारा मतलब इसको कंफर्म कर लेंगे। देखिए, ये हमारा जो मतलब है ये UPI मतलब जो सक्सेस हो गया है। अब हमें यहाँ पर चेक बैलेंस करना है, या जो भी हमको अगर किसी को पैसा भेजना है तो हम यहाँ से किसी को भी हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं टू अकाउंट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। टू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर मतलब जो है बैंक आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे बैंक अकाउंट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर से अगर आपका और भी कोई बैंक में अगर अकाउंट है उसी नंबर से जुड़ा हुआ, तो आप यहां पर से जो है नीचे देखकर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा एक और बैंक में ये है, इंडियन बैंक में हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहां पर जो है सेट UPI पिन जो लिखा हुआ है, इसमें भी आप जो है UPI आप जो है इसमें सेट कर सकते हैं।
ताकि आपको बैलेंस अगर चेक करना हो कि हमारा बैलेंस कितना है क्या है, तो आप यहाँ पर से जो है उसको चेक कर सकते हैं। फिर आप टू अगर किसी को जैसे हमें एक पैसा हम जो है सेंड करके हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको जो है पैसा सेंड करना है, तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, फिर नीचे आपको कन्फर्म अकाउंट नंबर वही अकाउंट नंबर दोबारा आपको डालना है, यहाँ पर आपको उसका जो नेम है अकाउंट होल्डर नेम वो डालना है, फिर नीचे में जो है आपको फ़ोन नंबर डालना है। तो हम ये सारा डिटेल्स हम डाल देते हैं। अब देखिए ये सारा डिटेल्स हमने डाल लिया, उसके बाद आपको कन्फर्म ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई और अगर बैंक अकाउंट डालना है तो आप जो है ऐड बैंक अकाउंट पर फिर से क्लिक करेंगे। हमको जो है इस पर पैसा भेजना है तो इस एड्रेस पर हम जो है क्लिक करते हैं इस बैंक पर, और उसके बाद जो फिर हमको यहाँ पर अमाउंट टाइप करना है जितना भी आपको पैसा सेंड करना है। अमाउंट टाइप करने के बाद जो है फिर आप जो है डन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो है फिर नीचे जो है सेंड लिखा रहेगा, फिर सेंड पर आप जो है क्लिक कर आप जो है पैसा को सेंड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कुछ प्रॉब्लम आया तो इसलिए ये एप्लीकेशन फिर से हमें खोलना होगा। हमने एप्लीकेशन जो है फिर से खोल लिया। अब देखिए हमारे पास जो है नीचे सेंड का जो ऑप्शन लिखा है, सेंड पर हमें क्लिक करना है। अब हमने जो वहाँ पर जो 6 डिजिट जो हमने डाला था वो 6 डिजिट यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद जो है आपको राइट पर क्लिक करना है। ये देखिए हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है पेंडिंग में अभी दिखा रहा है, ये देखिए हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। आपको रिमाइंड लेटर पर क्लिक करना है, फिर अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो चेक बैलेंस पर आप जो है क्लिक कर करके आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। और ये कि यहाँ पर से डैशबोर्ड में भी आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट बैलेंस पर क्लिक कर आप जो है जो आपने 6 डिजिट का नंबर डाला था वहाँ से भी आप जो है बैलेंस यहाँ पर से चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा बच रहा है। ये देखिए हमारे अकाउंट में जो है जितना बैलेंस है वो हमारा यहाँ पर शो कर गया। उसी तरह से आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। अब आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। अगर आपको मतलब व्यू प्लान जो आपको दिख रहा है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा प्लान है। अब यहाँ पर से आपको इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप जो है अपने किसी भी फ्रेंड को भी आप जो इन्वाइट कर आप इससे भी मतलब इनकम कर सकते हैं। 100-200 रुपये आपको इसमें मिलता है।